लेवल्स ऑफ मेजरमेंट, मेजरमेंट के चार लेवल्स हैं जिसमें नॉमिनल, ऑर्डिनल, इंटरवल और रेशियो स्केल आ जाता है। नॉमिनल आपको ऑब्जेक्ट की क्लासिफिकेशन बताता है कि कोई ऑब्जेक्ट है उस वो किस क्लास में आता है, इधर वो मैरिटल स्टेटस क्या है, लिंग्विस्टिक स्टेटस क्या है, रिलीजन क्या है। जब इस तरह की जब आप क्लासिफिकेशन करते हैं, ज्योमेट्रिकल डिज़ाइन बताते हैं, लेटर्स बताते हैं, नंबर्स बताते हैं, तो उस वो नॉमिनल स्केल के थ्रू आप बताते हैं। नॉमिनल स्केल में आप किसी का अगर मैरिटल स्टेटस बताते हैं, मैरिड है, सिंगल है, डिवोर्स्ड है, लिंग्विस्टिक स्टेटस में कि वो इंग्लिश बोलता है, उर्दू बोलता है, उर्दू बोलता है, पंजाबी बोलता है, सिंधी बोलता है, कौन सी लैंग्वेज बोलता है, तो आप नॉमिनल स्केल के थ्रू इन सारी चीज़ों को मैयर कर सकते हैं। उसके बाद आप रिलीजन बताएं, हिंदू, क्रिश्चियन, मुस्लिम, जो क्लासिफिकेशन की है आपने रिलीजन के मुताबिक, तो भी आप नॉमिनल स्केल यूज़ करते हुए क्लासिफाई करते हैं। उसके बाद कोई चीज़ अगर आप बताते हैं कि समथिंग इज़ सर्कल, राउंड और इन दी ट्राइंगल शेप, इन रेक्टेंगुलर शेप, तो फिर उसको भी आप नॉमिनल स्केल के थ्रू बताते हैं। ऑर्डिनल स्केल में आप किसी भी चीज़ को ऑर्डर करते हैं, रैंक करते हैं, ग्रेड करते हैं या इवेलुएट करते हैं, फिर आप क्वांटिटी बताते हैं। आप क्वांटिफाई जब करते हैं अकॉर्डिंग टू दी रैंकिंग, ग्रेडिंग और इवेलुएशन, तो दैट इज़ योर ऑर्डिनल स्केल, जिसमें अगर आप रैंकिंग करेंगे, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड की रैंकिंग कर दी, ग्रेडिंग कर दी ए बी सी एक्सेट्रा, या फिर आपने इवेलुएशन कर दी कि हाई, मीडियम या लो, तो इस तरह की जो चीज़ें आप बताते हैं, जो मेजरमेंट के बाद जो स्केल यूज़ होता है, जिसमें आपको ग्रेड्स चाहिए, जिसमें आपको रैंक्स चाहिए या इवेल्यूशन चाहिए, वो आपका ऑर्डिनल स्केल हो जाता है। उसके बाद आता है आपका इंटरवल स्केल। इंटरवल स्केल में आपको ऑर्डर्स बताए जाते हैं, रेंज बताई जाती है कि इंटरवल स्केल इज़ ऑल्सो नोन एज इक्वल इंटरवल स्केल, बिकॉज जे ये स्केल आपके पर्सन के आइटम को शो करता है कि कोई यूनिट है, वो अगर है तो वो क्यों है और किस तरह से है। अगर आप किसी की हाइट मेजर करवाना चाहते हैं, अगर आप किसी को ब्राइटर या डलर बताते हैं, लार्जर या स्मॉलर बताते हैं, किसी को हैवियर या लाइटर बताते हैं, तो आप इंटरवल बनाएं, इंटरवल्स जो इंटरवल स्केल है उसमें आप क्लासिफाई करेंगे। इंटरवल स्केल में अगर आप क्वेश्चनेयर यूज़ करते हैं, तो इंटरवल्स में आप रेशियो लगाते हैं और आप पूछते हैं कि अगर कोई रेंजेस बना लेते हैं जिसमें जो इंटरवल स्केल है।